हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। यहाँ जल्दी जल्दी मुझे बुलाया गया, मैं उधर थी ना, बारिश का टाइम हो गया था, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो गया आप देख सकते हैं। तो यहाँ माटी कोरने के लिए बुलाया गया, बिकॉज माटी मुझे ही कोरना था, ये रस्म मुझे ही करनी थी। मुझे यहाँ पर बुलाया मौसी ने, बोला माटी करो। गाइज़, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी ना, नहीं भाई, जो जब जहाँ जैसा वहीं ख़त्म। यस, तो यहाँ पे माटी कोड़ने में ना गिफ्ट नेग लिया जाता है, मतलब बहन का नेग होता है। हमारे यहाँ ना बहन कोड़ती है, बुआ नहीं, बहन ही कोड़ती है। अगर बहन ना हो मैरिड तो जाके बुआ ये रस्म करती हैं शायद, नहीं तो अधिकतर, मतलब मेरे यहाँ तो बहन को ही ये प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे मेरा पीठ पूजन हो रहा है, और उसके बाद देखो नेक के लिए मैंने मौसी से लड़ाई की। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। गाइस, जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे में ये भाई की शादी में मेन रस्म होता है, जिसमें माटी कोड़ा जाता है। आप उठा के ला,
गाइस तो कुछ लोग कमेंट आ रहा था कि दूल्हा खुश नहीं है या फिर जोर ज़बरदस्ती से शादी हो रही है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा दिख रहा है तो हर किसी का नेचर बिहेवियर जो होता है वो अलग होता है, और मेरे घर में ऐसा काम नहीं होता कि जोर ज़बरदस्ती से कोई किया जाए। अरेंज मैरिज ही होता है, बट हाँ राजा मंदी से होती है कि हाँ ये यहाँ किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये टोटली अरेंज मैरिज है ये शादी, और ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या एक्सप्रेशन देना चाहिए, बिकॉज एक तो व्लॉगिंग, ऊपर से कैमरा, सब कुछ होता है ना सामने, नहीं समझ में आता यार, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। खासकर दूल्हा दुल्हन उस टाइम की सिचुएशन में रहते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। आपने देखा है इससे पहले वो इतना कैमरे के सामने आया नहीं है, और यहाँ पर देखिए अब तो आपको पता चल गया कि हाँ वो खुश है, वो अपना डांस भी कर रहे हैं, इन्जॉय भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो इंसान को देख के सोच के समझ के करना होता है, जिसको आप लोग नेगेटिव में ले लेते हो। सब लोग कितने खुश है, तो आप लोग भी खुश होइए और खुशी से इन्जॉय कीजिए। देखिए दूल्हा का डांस, उसको आता नहीं है बट फिर भी उसने ट्राई किया कि नहीं मैं भी डांस करता हूँ, हमने फोर्स किया। तो
भूख लगी थी खा ली चाना अपना ध्यान दी चाना सर की भूख रखा लेती थी बहन जी खाई ले हम लोग के वो आप अपने इधर से लेते जाइए प्रसादी देखो प्रसादी लेके आ जाओ चलो जी आ जाओ ट्रैकिंग करवा लूंगी एक पीछे रह गई ले दीदी देखो तो यहाँ भी देखो अच्छा कैसे बैठी हो तुम कुछ कह कैसे बैठी हो थक के एकदम लो ये एक दो जिसमें बेटियाँ नहीं करती बहुए नहीं करती है अच्छा ये लोग हल्दी वल्दी नहीं लगेंगे फिर आपको सुंदरी एकदम सुंदरी परम सुंदरी देखी मैं इस पे मैं बनाऊंगी आपके साथ परम सुंदरी इसी साड़ी में। हर किसी के यहाँ शादी में बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं लेकिन हमारे बिहार में कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। ये देखिए आटा और हल्दी जो इसको डाल के ऐपन बनाया जा रहा है कलश में लगाने के लिए मौसी ने मांगा तो ये मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ उनको दिया मैंने लगाने के लिए उन्होंने लगाया। हर एक रिचुअल को हम चाहे जिस लेवल पर भी करें ज़रूर फॉलो करते हैं कि जो हमारे गाँव में होता है हम कहीं से भी शादी करें वो सारे रिचुअल हम फॉलो ज़रूर करते हैं।
अरे गीत गाओ लगन भाई घरवा में का बा प्राप्ति काम विद्या जस धन बल व्यर्थम ग्रह नाम बोलो बोलो नहीं नहीं सॉरी गलती से लग गया सॉरी फोटो नहीं खींचा भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वात साधके त्रिण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते जगद्गोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिं वत्सहजं पुरस्ताताय समग्रं प्रतिमन्त शुभम फोटो आज के बाद मीट मछली सब कुछ आज के बाद अब तो भी इनके बराबर अरे राहुल तो आवे जे एगो दुनो साल पहले को चलाता है बात हमारे यहाँ शादी में हरीस घर आता है जो कि घर आया यहाँ पे मतलब छत है या कुछ भी तो वहाँ तो मिट्टी का इंतज़ाम कैसे होगा तो इसलिए इसमें डाल दिया गया। एंड दूसरी बात कि ये जनेऊ अपने देकर डाला गया तो हमारे यहाँ हल्दी वाले दिन ही जनेऊ पड़ता है मतलब कि शादी जो जिस लड़के की शादी होने वाली होती है ना उसी को जनेऊ डाला जाता है। बहुत जगह जनेऊ होता है जो बचपन में ही लड़कों का हो जाता है उन्हें पहना दिया जाता है लेकिन ये रस्म हमारे यहाँ नहीं होता जनेऊ वाला शादी वाले दिन ही हल्दी वाले दिन ही डाला जाता है तो 5 लोग मिलकर इसे डालते हैं तो सारे रस्म जो यहाँ पे किया जा रहा है। और हमारे जो हजाम ठाकुर है यानी नाई है उन्हें इतने चीज़ें को नॉलेज नहीं है तो हमें बताना पड़ रहा था क्या और कैसे करना है सो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया 5-5 लोग मिलके ये सारी रस्म को पूरा कर रहे हैं। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग हल्दी चढ़ाने का आएगा सबसे पहले पंडित जी चढ़ाते हैं तो इसलिए पंडित जी का इसमें दिखा दिया। आगे आपको घर वालों का जो है ना होली दिखाऊंगी मैं और क्या मस्त होली खेली है हल्दी से इन्होंने। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें होली के साथ और भी कुछ चीज़ों से खेली वो भी देखना साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच बाय बाय।